नमस्कार दोस्तों, लोहा लोहे को काटता है ये तो आपने सुना ही होगा। अब अगर ये आपको यह कोई कहे कि अब मच्छर ही मच्छर को मारेगा तो आपको कैसा लगेगा? जनाब कुछ ऐसा ही है अमेरिका में। मच्छर ख़त्म करने के लिए आपने इसका और इसका इस्तेमाल तो ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या होगा अगर ये मच्छर खुद ही एक दूसरे को ख़त्म कर दे? चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर ये मच्छर हमें काटना ही बंद कर? मजाक नहीं कर रहे हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। इस बार आपके और हमारे ख्याली पुलाव को साकार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के फ्लोरिडा और टेक्सस शहर में एक प्रोजेक्ट लाया गया है OX5034GM, जिसके अंतर्गत सरकार की अनुमति के अनुसार ब्रिटेन की मच्छरों से संबंधित एक कंपनी ऑक्सीटेक यहाँ पर्यावरण में अरबों मच्छर छोड़ेगी। ये मच्छर होंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को बड़ा होने से पहले ही मार देंगे। इस काम की जिम्मेदारी रहेगी एडेस एजेप्टी नामक मच्छरों के कंधों पर, क्योंकि यही वो मच्छर है जो सबसे ज़्यादा वायरस फैलाते हैं। हुआ कुछ यूं कि US में चिकनगुनिया और डेंगू के मामले बढ़ने लगे, तो सरकार ने एक ऐसा अनोखा प्रोग्राम अपनाया। हमारी सरकार की तरह फर्जी मच्छरदानियां सरकार ने नहीं बांटी। खैर एक रोचक बात बताते हैं, ये जो दिन रात मच्छर हमारा खून चूसते हैं इसमें मादा मच्छर ही होते हैं, क्योंकि नर मच्छर है जो हमारा खून नहीं चूसते हैं, वो हमें नहीं काटते। होता कुछ यूं है कि मादा मच्छरों को अंडे देने के लिए खून की ज़रूरत होती है, तो वो आकर हमें काटते हैं और हमारे लिए बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इन्हीं मच्छरों को रोकने के लिए लैब में मच्छर तैयार किए जाएंगे। अब ये सब कैसे होगा आइए ये देखते हैं। ये वो 100 मच्छर हैं जिनको लैब में जेनेटिकली मॉडिफाइड चेंजेस करके तैयार किया जाएगा। लैब में तैयार इन मच्छरों को मादा मच्छरों के साथ मैटिंग करवाई जाएगी और मैटिंग में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन निकलेगा। ये प्रोटीन मादा मच्छरों को बड़ा होने और काटने योग्य बनने से पहले ही मार देगा। नतीजा ये होगा कि प्रोटीन के चलते नए मच्छर पैदा नहीं होंगे और जो पहले से मच्छर घूम रहे हैं उनका तेजी से खात्मा होगा। हम बार बार प्रोटीन का जिक्र कर रहे हैं, इस प्रोटीन में जेनेटिकली क्या चेंजेज होंगे अब वो समझिए। नए अंडे दो तरह के जीन्स के साथ पैदा होंगे, जिसमें पहला है सेल्फ लिमिटिंग जीन। इस जीन्स के साथ पैदा होने वाले मच्छर है जो वयस्क होने से पहले ही मर जाएंगे। दूसरा है फॉरिसन मार्कर जीन। इस जीन के साथ पैदा होने वाले मच्छर एक खास तरह की लाल लाइट में चमकते नजर आएंगे, जिनसे इनकी पहचान हो सकेगी। इस जीन्स को खास तरह से डिजाइन किया गया है, क्योंकि इस जीन्स में सिर्फ मादा संतानों की ही मौत होगी, क्योंकि नर संतान है जो आगे आने वाली संतानों में इस जीन्स का स्थानांतरण करने के लिए ज़रूरी होंगे। साइंटिस्ट बतौर टेस्टिंग भारत, ब्राज़ील और पनामा में ऐसे करोड़ों जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़ चुके हैं। भारत में अमेरिका की तुलना में मच्छरों के लिए बेहतर मौसम रहता है, तो हमारे यहाँ भी आने वाले 2 से 5 सालों में करोड़ों ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़े जा सकते हैं। वहीं सोशल वर्कर्स इकोसिस्टम की डैमेज होने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो यह थी जहर को जहर से काटने की तर्ज पर मच्छर को मच्छर से मारने की कोशिश। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।